चूंकि पेशा हुआ है लेकिन मेसा नहीं हुआ है, म्यूनसिपल एक्ट में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उसको टर्न डाउन किया गया। तो इसका मतलब जो राज्य में आगे चुनाव होने वाले उसमें कोई ना रोक है म्यूनसिपल इलेक्शन का, जैसे शेड्यूल जारी हुआ वैसे हो सकता है? वैसे जैसे शेड्यूल जारी हुआ है वैसे होगा। आज TSC की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी। टोटल 11 एजेंडे थे जिस पर चर्चा होनी थी और TSC के तमाम मेंबर इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। फिर भी TSC मेंबरों की संख्या अधिक थी, स्वयं TSC के चेयरमैन और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी थे। अभी इस वक्त TSC की बैठक खत्म हुई है, हमारे साथ 20 सूत्री के कार्यकारी अध्यक्ष और TSC के मेंबर स्टीफन मरांडी हैं, सीनियर MLA भी हैं राज्य में। दादा, क्या क्या आप लोगों ने सुझाव दिया है सरकार को? देखिए, इसमें एजेंडा में जो शामिल था उस एजेंडा में मुख्य रूप से प्राइमरी शिक्षा में 5th क्लास तक अनिवार्य रूप से ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र में पढ़ाए क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। इसके बाद जो मेडिसिनल प्लांट्स है ट्राइबल्स के, जो होम्योपैथी बोलता है, उसको आयुष में शामिल करके उसकी पढ़ाई मान्यता दिलाना आयुष में। आयुष में, अच्छा। यहाँ लघु वन उत्पाद जो है बहुत सारे हैं जिसका खरीद बिक्री निगम के द्वारा होता था, जो सक्सेसफुल नहीं है, उस पर कड़ाई से लागू करना है और उसमें फेडरेशन टाइप का कुछ बना गठित करके उसको करना है। इसके बाद ये पंचायत चुनाव में जो पैसा कानून में जो इन लोगों ने एक संशोधन डाला है, उस संशोधन को निरस्त किया गया। उसमें बहुत सारा चीज था कि कहा कि 1996 में ये पारित हुआ तो 97 तक ही उसको करना था रेक्टिफाई, लेकिन अभी उसका नहीं हो सकता है, इस पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद TRI द्वारा गौरव झारखंड गौरव का करना, उसमें चर्चा भी चली कि अभी जो बिरसा मुंडा जेल है उसको TRI के अंदर में बिल्कुल घोषित कर देना है कि TRI उसी में चले। अच्छा, तो इस तरह की तो TRI क्या इन सारी जगहों का मतलब वो टेक ओवर करेगी, वो देखना? TRI का जितना जो चल रहा है अभी TRI वो बहुत छोटा पड़ गया। अच्छा, इसलिए बड़ा जगह होना चाहिए, उसके लिए प्रपोजल है हम लोगों का कि बिरसा मुंडा जेल को TRI घोषित करें। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था ये दादा कि अभी जो राज्य में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है तो शेड्यूल एरिया के लोग जो यहाँ ST लड़ते आ रहे थे वो अब SC का हुआ है, तो उसको लेकर काफ़ी विरोध और समर्थन धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस पर कोई डिस्कशन हुआ? उसमें डिस्कशन खास नहीं हुआ चूँकि एक बना हुआ है उन लोगों का फार्मूला बना हुआ है, उस फार्मूला के खिलाफ में जाने के लिए कुछ मेंबर का रेज किया था कि इसको ख़त्म करना चाहिए, यहाँ पर शेड्यूल एरिया है पैसा करना। आज चूँकि पैसा हुआ है लेकिन मेसा नहीं हुआ है, अच्छा। म्यूनसिपल एक्ट में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए उसको टर्न डाउन किया गया। अच्छा, तो इसका मतलब जो राज्य में आगे चुनाव होने वाले उसमें कोई ना रोक है म्यूनिसिपल इलेक्शन का, जैसे शेड्यूल जारी हुआ वैसे हो सकता? वैसे जैसे शेड्यूल जारी हुआ है वैसे होगा, ठीक है। अब ये जो बात आप कह रहे हैं कि इन सब के इतर ये जो फॉरेस्ट लैंड एरिया है और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका पट्टा को लेकर पट्टा को लेकर के भी चर्चा हुई है। उस पट्टे में जैसे दाखिल खारिज वगैरह होना चाहिए, उसमें जो रसीद कटता है वो कटना चाहिए। तो वो कौन काटेंगे, मानकी मुंडा पहान? मानकी मुंडा को कटेगा। अच्छा, चूँकि उसको दे दिया गया है तो इसलिए उसको करना पड़ेगा, उस चीज़ नहीं हुआ है जिसके वजह से किसी को वजूद नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात है
इसमें बहुत कम संख्या में हुआ है, जितना होना चाहिए फॉरेस्ट लैंड जितना है, आप फॉरेस्ट बनवासी जितने हैं वो तो लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके अनुपात में बहुत कम दिया गया है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, और संथाल परगना के जो लोग हैं वो नहीं यहाँ आकर ज़मीन परचेज कर पाते हैं, हाँ, तो उसके लिए कोई बात हुआ? उस वजह से संथाल परगना वो बैरियर, अभी थाना का बैरियर है, थाना का बैरियर को हटाने की बात चल रही है। अच्छा, और जैसे संथाल परगना के जितने लोग हैं यहाँ उनका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, तो उस बैरियर को भी ख़त्म करना है। तो संथाल परगना में कौन से मतलब एसटी हैं जो खासकर? एसटी संथाल है। अच्छा, वहाँ जो संथाल है, संथाल यहाँ पर खरीद नहीं सकता है। अच्छा, अगर खरीदेगा तो उसका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है 2017 से ये बंद है, तो उसको ख़त्म करना है, रिलैक्सेशन देना है कि यहाँ खरीद सकता है, यहाँ वहाँ के, यहाँ के लोग भी वहाँ खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अच्छा, मतलब वो थाना क्षेत्र का बाध्यता हटा के पूरे राज्य स्तर पे, राज्य स्तर में। तो ये सीएनटी वालों के लिए भी लाभ होगा कि सिर्फ एसपीटी के वाले? दोनों के लिए लाभ होगा। तो सरकार जब वहाँ पे खुद चेयरमैन ही होते हैं सीएम, तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया आप लोगों के प्रस्ताव? पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और उन्हीं का बल्कि कहना है, उन्हीं का कहना है कि ये बैरियर हटना चाहिए। अच्छा, क्योंकि संथाल परगना का आदमी भी यहाँ ले और यहाँ का आदमी भी एसपीटी मिले, ये तय हुआ है। तो माना जाए कि अभी जो राज्य में म्यूनिसिपल इलेक्शन होने वाला है वो समय पे होगा? समय पर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया। तो अब ये क्लियर हो गया टीएससी का मुद्दा, आप समझ लीजिए, एक तो सीएनटी और एसपीटी में थोड़ा रिलैक्सेशन देना है कि थाना क्षेत्र का बाध्यता खत्म करके वहाँ के भी लोग यहाँ परचेस कर ले, यहाँ के भी लोग वहाँ परचेस कर ले, एक। दूसरा बात, जो पेशा कानून के तहत ये मांग हो रही है कि जो एकल पद है वो रिजर्व रहे है, उस पर कह रहे हैं कि सरकार अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि वो पेशा में लागू है, मेसा में नहीं, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसे अफेक्टेड नहीं होता है, तो शेड्यूल टाइम पे चुनाव होगा। इसके अलावा जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का उत्पादन, खरीद और बिक्री होता था निगम के माध्यम से, अब टीएससी ने सुझाव दिया कि एक फेडरेशन का गठन किया जाए, उससे हो और वन पट्टा भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। इन सब के इतर एक और महत्वपूर्ण बात हुई है कि क्लास 0 से लेकर 5 तक के बच्चों को वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस, ट्राइबल लैंग्वेजेस में पढ़ाई कराना मैंडेटरी होगा, और ये सिर्फ शेड्यूल एरिया का ही नहीं है, जहाँ भी ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक होगी वहाँ बच्चों को ये पढ़ाना होगा। दादा, लेकिन एक सवाल फिर उठता है कि ये सिर्फ सरकारी स्कूल में अभी आप लोग ये कर रहे हैं कि प्राइवेट में? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में टीचर वीचर फिर तो निकलेंगे? टीचर पाली होगा। अब ये सारे जो टीएससी के मेंबरों ने या टीएससी ने प्रस्ताव दिया है सरकार को, सरकार इसको कितना मानती है या कब तक मानती है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो निगम चुनाव की तैयारी कर रहे थे नए शेड्यूल के अनुसार, वो अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि तय सीमा पे हो सकता है चुनाव हो जाए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in